सो ऑप्टिक्स में अगर बात करें, सो ऑलरेडी काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया हुआ है ऑप्टिक्स में। 6 लेक्चर्स हो गए हैं ऑप्टिक्स के हमारे। तो प्रीवियस उसमें हमने क्या क्या बात की, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखें, प्रीवियस हमने बात की कि डिफरेंट सरफेसेस से, कर्व्ड सरफेसेस से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। और मैंने बताया कि सपोज दो सरफेसेस है, तो एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ से होगा। तो फॉर्मूले में ये एन वन बनेगा, ये एन टू बनेगा, फिर जब ये वाला रिफ्रैक्शन दिखाएंगे तो ये एन वन और ये एन टू बनेगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके, गुड। सो फिर उसके बाद सिचुएशन क्या थी, फिर मैंने बताया कि अगर हम इस मटेरियल को कम कर दें तो हमें दूसरे सरफेस से दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही बार में दोनों चीजें सॉल्व कर लेंगे। तो फिर हमने उन्हें बात की कि अगर ये लेंथ हम कम कर देंगे तो इस टाइप के मटेरियल को हमने बात की कि इनको बोलेंगे हम लेंसेज। ठीक है, तो हमने लेंसेज की बात की यहाँ पर, और फिर हमने फॉर्मूला बना लिया क्या लेंस अगर किसी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में रखा है तो ये फॉर्मूला। मैंने बताया ये फॉर्मूला जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नीट में कभी भी दोनों डिफरेंट मीडियम नहीं देगा। तो नीट के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है यार? ये वाला, जब किसी डिफरेंट सराउंडिंग में रखा होगा। तो ये रिलेटिव ज़रूर याद रखना है। एन क्या है? रिलेटिव है कि वो किस मीडियम में रखा है। फिर इसके बाद मिरर फार्मूला भी हमने, सॉरी, और ये लेंस में फार्मूला भी देखा कि लेंस पे कैसे हम ऑब्जेक्ट इमेज के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके लिए मैग्निफिकेशन रिलेटेड भी डिस्कशन कर लिया। तो ये चीज़ें हमारे लेंस के बारे में हो गई थी। फिर डिफरेंट लेंसेज की फोकल लेंथ पे हमने डिस्कशन कर लिया था काफ़ी कुछ। तो प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली थी हमने, और फिर फोकल लेंथ बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड के भी हमने पॉइंट्स देख लिए हुए थे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स की बात की थी, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस और ये सारे पॉइंट्स, और ये पूरे डिटेल्स देखे थे कि कन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज में किस टाइप में इमेज बनने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारा इमेज फॉर्मेशन के बारे में हो गया था। मैंने बताया था कि क्लास 10th में जैसे पूरे केसेस बनाकर दिखाते हैं कि ये लेंस है सपोज, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा? सपोज ये एफ है, और यहाँ पर सी नहीं बोलेंगे फिर, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पर 2F बोलेंगे। तो ये एफ है, ये 2F है, तो बहुत ही सिंपल है। बताओ अगर 2F से दूर है तो इमेज कहाँ बनता है? अगर ऑब्जेक्ट 2F से दूर है तो इमेज कहाँ पर बनेगा? तो ऑब्जेक्ट बी 2F से अवे है तो इमेज कहाँ पर बनेगा? एफ और टू एफ के एफ और बीच 2F के बीच में। बट मिरर होता तो इस तरफ बनता, लेंस है मतलब रेस पास हो जाएंगी तो इस तरफ बनेगा। रूल क्या है? रूल क्लियर है, जो पैरेलल रह जाएगी वो किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, ऑप्टिकल वाली सेंटर वाली जो है वो अनडेविएटेड निकल जाएगी, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर बॉदर नहीं कर रहा हूँ कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करना है, वो रूल्स हमने वहां पर दिखा दिए। तो आज सीधा हम सॉल्विंग पर चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे काफी सारे। तो आप लोग फास्ट सॉल्विंग करें और आंसर चैट बॉक्स में करेंगे। फिर से एक बार मैं फॉर्मूले रिकॉल करा देता हूँ, आप लोग को टेंशन नहीं हो, देख लें ये सारे लेंस रिलेटेड और बाकी सारी फोकल लेंथ रिलेटेड। ये हो गया हमारा लेंस का फॉर्मूला, और ये हो गया उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैंने बताया था कि मिरर में 1/V + 1/U होता है, लेंस में यहाँ पर यू नेगेटिव रखना होता है फॉर्मूला बनाने के लिए, तो 1/V - 1/U हो जाता है। सेम चीज यहाँ पर माइनस हट जाता है, वी वाले पे तो कोई टेंशन नहीं है, और यू वाला फिर माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस आ जाता है फॉर्मूला। तो ये दो चीजें हमें फॉर्मूला याद रखनी है। फिर कभी फोकल लेंथ अगर फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला। तो फोकल लेंथ तो मैंने ऑलरेडी काफी सारे एग्जाम्पल टाइप केसेस ही करा दिए थे, तो फोकल लेंथ पे क्वेश्चन जरूरत नहीं है, सिर्फ हम पहले मैग्निफिकेशन और इन सब पे क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ अगर इसमें किसी को डाउट हो, कुछ कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं सर। ओके, चले तो फिर सीधा सॉल्विंग पे ही चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा फास्ट ट्राई करेंगे, ठीक है? सॉल्विंग थोड़ा सा फास्ट करने का ट्राई करेंगे, और तुरंत चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, और सब लोग इन्वॉल्व रहो यार। ऐसा नहीं करना है कि कुछ लोग ही आंसर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? चले तो थोड़ा सा फास्ट वे में कर लेते हैं सॉल्विंग।
देखिए यार, काफी सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक ही आंसर दे रहे हैं। यार प्रीवियसली मिरर में समझाया था ना, सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन बताएं क्या लिखा हुआ है? हाँ, डबल द साइज। क्या मैंने बताया क्या कि कुछ रियल है वर्चुअल है, कुछ बताया क्या? तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि एम प्लस टू ही होगा? ठीक है, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ डबल साइज, मतलब एम कैन बी एनीथिंग प्लस माइनस टू। समझ आया? अगर बोल देता कि रियल है तो बताओ हम क्या यूज करते हैं? एम प्लस टू यूज करते हैं, माइनस टू यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रियल मतलब इन्वर्टेड बनेगा ना, मतलब हम नेगेटिव होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है आप लोगों ने। सबने मोस्टली ये गलती की हुई है कि एम को सही से नहीं लिया हुआ है, एम को एक ही वैल्यू पे सॉल्व किया, तो एम को दो वैल्यूज पे सॉल्व करना है। किस पे? एक बार प्लस टू पे और एक बार माइनस टू पे। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमें? एम का हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? वी चाहिए, और दिया क्या है? एफ। तो क्या हो जाएगा? एफ माइनस वी बाय एफ। क्लियर? यहाँ पे भी हो जाएगा एफ माइनस वी बाय एफ। तो अभी सॉल्व कर, तो एफ दिया हुआ है, अब बताओ कौन सा लेंस है ये? तो इसका एफ कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे भाई कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का एफ नेगेटिव क्यों होगा? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स का फोकस इस तरफ आता है ना, और ये मतलब डायरेक्टली मैंने लिखा भी था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने डायरेक्टली भी लिखा होगा इस चीज को कि दोनों के साइन में कॉन्वेक्स का जो है फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा और कॉनकेव का नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर यूजुअली क्या रहता है, देखो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। तो देखें सॉल्व कर लेते हैं फिर, इसका मतलब ये हो जाएगा टू इज इक्वल टू एफ कितना है, 40 माइनस वी अपॉन 40। क्लियर? सो 40 और ये 280 हो जाएगा, और इस तरफ सॉल्व होगा वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 40। समझ आया? अच्छा दूसरा माइनस टू सॉल्व कर लेते हैं, माइनस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही सेम 40 माइनस वी बाई 40। सो ये 80 होगा और ये इस तरफ ऐड हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई गेस वी इज इक्वल टू प्लस 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, चलो देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन बदल रही है, किस डिफरेंट केसेस में क्या क्या वैल्यूज हमें मिल रही है। एक बार इमेज बन रहा है कहां पर, माइनस 40 पर, और एक बार इमेज बन रहा है कहां पर, 120 पर। ये दोनों केसेस है, इन दोनों के लिए यू निकालो, यू क्या होगा बताएं, इसके लिए यू क्या होगा? क्या होता है, एम इज इक्वल टू वी बाई यू, डन। तो यू इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाई एम। तो माइनस 40 बाई प्लस 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस 20। ठीक, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर बता यू क्या आएगा, वी तो प्लस में है और एम माइनस में है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 60। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिनेरियो पॉसिबल भी है या कुछ गड़बड़ हो रही है सॉल्विंग में। समझ आ रहा है सबको? तो देखें, सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका फोकस कहां पर है, 40 पे। सो ये एफ है, ये 2f है, ये एफ है, ये 2f है। बताओ फर्स्ट केस में यू कहां पर रखा हुआ है, माइनस 20, मतलब कहां पर रखा है, माइनस 20 पर। अच्छा बताओ अगर एफ से पहले रखा हुआ है तो इमेज किस तरफ बनता है, मिरर में क्या हो रहा था, मिरर में जब ऑब्जेक्ट था तो सारे इमेज किस तरफ बन रहे थे, इसी तरफ बन रहे थे, क्योंकि रियल में राइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेंस में क्या होगा, लेंस में जो सारे केसेस है वो इस तरफ बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि लाइट को रियल में रिफ्लेक्ट होना है। तो अगर आपको वर्चुअल बनाना है तो आपको इसी साइड बनाना पड़ेगा जिससे रियल में लाइट रिफ्रैक्ट ना हो, फील आए कि हमें ऐसा होगा। तो जो सिक्स्थ केस था एफ से पहले,
तो इमेज बड़ा बनता है और इस तरफ बनता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इमेज कहाँ पर बन जाए, -40 पे बन जाए, बट ये कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। समझ आया सबको? तो ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज हो गया वर्चुअल। दूसरा केस देखते हैं, यू -60 है, -60 मतलब 40 ये है और ये 80 है, मतलब कहाँ पर है वो, इन दोनों के बीच में है। तो ये याद ही होगा कि अगर इन दोनों के बीच में रखा है तो लाइट रे इस तरफ चली जाएगी और वो कहाँ बनेगा, एफ से भी दूर बनेगा, 2f से भी दूर। तो इसका इमेज इन्वर्टेड बनेगा और प्लस का आंसर आया, देख रहे हो वी इस तरफ आ गया ना, वी वी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ आया सबको दोनों केसेस, और कितनी डिस्टेंस हो गई, ये 120 तक। तो ये 40, ये 80 और ये 120। कोई डाउट बताओ किसी को, क्लियर चीजें समझ आई कि जो हमने कैलकुलेट किया वो मतलब फिजिबल है कि नहीं, समझ आ रहा है या नहीं, वो चीज है। हाँ। दोनों केसेस आ गए ना सबको समझ में, ये थोड़ा अच्छा केस था पहला वाला, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्विंग पे थोड़ा सा भरोसा करें और चीजों को अच्छे से करें। किसी को डाउट हो तो पूछ लो यार, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबको करेक्ट करके अच्छे से देना है, पक्का सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करना है, थोड़ा आप लोग फास्ट नहीं सॉल्व कर रहे हैं। चले वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। बाकी लोग भी यार फास्ट सॉल्व करें। अनीश नॉट करेक्ट, चेक अगेन। या गौरी कारंजकर, वेरी गुड। बाकी लोग भी यार फास्ट सॉल्व करें जल्दी से। वेरी गुड आर रहमान है, प्रथमेश, ओके, मतलब काफी लोग को आ गया, दैट्स गुड। देखो यार बहुत ही स्ट्रेट है, बहुत ही स्ट्रेट है। हमें रेडियस दिया है, मटेरियल दिया है, मतलब लेंस का क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो याद है फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f = (n-1) 1/r1 - 1/r2। और मैंने बताया अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है
फॉर बाई कॉन्वेक्स, तो हमें पता है कि ये दोनों आर क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, और यहाँ पर टू बाई आर आ जाता है। जिससे हम एफ को फ्लिप करते हैं तो फाइनल एफ का आंसर क्या आ जाता है, फाइनल एफ का आंसर आ जाता है आर बाई टू और ब्रैकेट में एन माइनस वन जैसा भी दिखता है। तो ये फाइनली हमारा जो है फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ जाता है। तो रख देते हैं आर कितना है 20 ओवर 2 इंटू एन कितना है 2 माइनस 1, सो देखो फोकल लेंथ कितनी आ गई प्लस का 10। ठीक, फोकल लेंथ आ गई तो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। समझ आया? तो मुझे नहीं लगता इसमें इतना कुछ कॉम्प्लेक्स था, बट ये याद रखना पड़ेगा यार, ये तो अब सॉल्विंग थोड़ी तो याद रखनी ही पड़ेगी आपको। तो मैं डायरेक्टली फिर करता हूँ, मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमें, एफ दिए क्या दिया है, ये दिया है। तो क्या होगा फॉर्मूला, एफ अपॉन एफ प्लस यू, ये थोड़ा सा ध्यान देना एफ माइनस यू मत करना, वो मिरर में रहता है, यहाँ पर एफ प्लस यू, सो 10 बाई एफ 10 है प्लस यू कितना है माइनस 20। क्लियर? क्योंकि अगर आपने पहले ही माइनस रख दिया तो ये माइनस 30, आंसर क्या जाएगा 1/3। तो अनीश समझ आया आपने क्या गलती की, अनीश? हाँ, तो आपने क्या किया, यहाँ पर माइनस ले लिया, इसलिए माइनस माइनस दोनों क्या बन गए, प्लस बन गए। और या फिर आपने इस माइनस को नहीं लिया होगा, दो में से कोई एक गलती की है आपने, तो इसलिए आपको 30 आया जबकि नहीं आना चाहिए था, आंसर क्या आएगा माइनस 1 आ जाएगा। आई गेस क्लियर होगा सबको यार, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? ओके गुड, फास्ट सॉल्व करें यार, फास्ट सॉल्व करें, बेटर रहेगा, बहुत बेटर रहेगा।
ओके देखिए काफी सारे लोगों ने आंसर कर दिया, बहुत ही बेटर यार। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, पीछे वाला ही क्वेश्चन है, कुछ चेंज किया क्या मैंने, कुछ भी वैल्यू चेंज की क्या? नहीं, बिल्कुल सिंपल ही है भाई। कन्वेक्स है, हमने ये दिया है, तो आपको क्या निकाल लेना है, पहले फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, आर ओवर टू एन माइनस वन। एन माइनस वन इस बार क्या है, थ्री माइनस टू बाई वन, तो ये क्या आएगा, वन बाई टू। आंसर क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कुछ टेंशन बची ही नहीं, किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ ठीक है, एफ आ गया, और एम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एफ प्लस यू। बिल्कुल सिमिलर हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर देते हैं बेटर रहेगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग सही आंसर एक डिफरेंट कर देते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन हम ऐसा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कर्वेचर है, सपोज ये कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर और ये कर्वेचर है क्या 20 सेंटीमीटर। अभी फोकल लेंथ निकाले, अभी फोकल लेंथ निकाले, देखे फोकल लेंथ कितना आएगा। अभी देखो दोनों सरफेस मैंने क्या दिए, डिफरेंट दे दिए, तो पहले वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, आर वन, और दूसरे वाले को आर टू। ठीक है, अभी ट्राई करें, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर 40 आ रहा था, मैग्निफिकेशन माइनस वन। ठीक है, अभी मैंने आर वन आर टू दिए, तो क्या यूज करेंगे फोकल लेंथ का फॉर्मूला, पूरा फुल वाला, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि कुछ ऐसा सिनेरियो है कि इस तरफ ये आर वन है और ये आर टू है, तो इसका मतलब ऑफ कोर्स ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस 20 है और ये माइनस ऑफ माइनस 40। क्लियर, तो इसका मतलब 3 माइनस 1 बाई टू क्या बचेगा, 1 बाई टू इंटू, इसे सॉल्व करें तो प्लस 40 बन जाएगा, मतलब 3 बाई 40 आएगा। तो कितना आ गया, 3 बाई 80। सो फोकल लेंथ कितनी आ गई फाइनली, 80/3। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं। ओके, फोकल लेंथ आ गई, अब हमें क्या सॉल्व करना है, बताओ एम का फॉर्मूला क्या होगा, एफ ओवर एफ प्लस यू। एफ कितना है, 80/3। एफ कितना है, 80/3। यू कितना है, देखें क्वेश्चन में 40 कंसिडर किया हुआ है, माइनस 40, तो क्या होगा, माइनस का 40 यूज करेंगे। सॉल्व कर दें, ये 80/3 है, ये माइनस का 40 है, तो एलसीएम टाइप लेंगे, ये माइनस 120 बनेगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 2। समझ आया मैग्निफिकेशन, कोई डाउट? नहीं। तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई यू, सो इसका मतलब वी क्या हो जाएगा, एम इन टू यू विद प्रॉपर साइन, तो एम कितना है, माइनस 2, यू कितना है, माइनस 40। आंसर क्या आएगा, प्लस 80 सेंटीमीटर। मतलब इमेज किस तरफ बनने वाला है, 80 सेंटीमीटर पे। समझ आया किसी को कोई डाउट इसमें, समझ आया सबको कि राइट साइड बनेगा, पॉजिटिव आया ना वी का वैल्यू, इसलिए राइट साइड बनेगा। क्लियर है सबको आइडिया? ओके गुड, अब देखते हैं, मतलब मुझे लगता है लेंस के बारे में तो कोई टेंशन नहीं होगा, अभी मिक्सचर देख लेते हैं थोड़ा सा, लेंस मिरर को मिक्स करके करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी। सो लेट्स से ये एक मान लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट है और ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये मिरर है, मान लेते हैं ये इससे कुछ एक्स डिस्टेंस पे है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट्स से 50 सेंटीमीटर है। सो क्वेश्चन है, फाइंड द पोजिशन ऑफ लेंस, पोजिशन ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ, लेट्स से लेंथ की फोकल लेंथ दी है आपको कुछ मान लेते हैं 20। सो फाइंड द पोजिशन ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20,
so that the image of given object coincides with the object. समझ आया सबको क्वेश्चन? अच्छा तो कॉन्साइड मतलब क्या कंडीशन हो रही होगी? लॉजिकल क्वेश्चन है, सॉल्विंग की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। VU के इक्वल होगा और वर्चुअल होगा। ओके नहीं कॉन्साइड कर रहा है मतलब ज्योमेट्रिकली कैसे देखेंगे, कब हमें पता चलेगा कि ये जो है ऑब्जेक्ट इमेज से कॉन्साइड करेगा? कुछ याद आ रहा है क्या? से मिरर वगैरह में बताया था कि रे कॉन्साइड कब करेगी, मतलब वापस वहीं पर है कब आएगी? एंगल बाईसेक्टर। एंगल बाईसेक्टर पे वो तो आपने वैल्यू बता दी, प्रोसेस क्या है, कैसे जज करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी लाइट रे वापस वहीं पर कब आएगी? परपेंडिकुलर जब मिरर पे जाएगी, कोई रे यहाँ से आई और अगर मिरर पे कैसे गिरेगी 90 डिग्री की, तो वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। समझ आया कि नहीं सबको? हाँ। समझ आया? सो टू रिट्रेस द पाथ लाइट मस्ट इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू मिरर। सबको क्लियर है? अब बताओ परपेंडिकुलर टू मिरर कब होगी, कब लाइट रे इससे पास होने के बाद ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगी? बताओ कब ऐसा होगा कि रे परपेंडिकुलर हो जाए इस लेंस से पास होने के बाद? वो फोकस से जब फोकस से जाएगी। वेरी गुड। अगर ये पॉइंट फोकस बन गया तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइट रे यहां से जाएगी और जाने के बाद यहाँ से पैरेलल हो जाएगी। समझ आया सबको? दिस मस्ट बी द फोकस, देन ओनली द लाइट रेज विल बिकम पैरेलल और वापस रिटर्न होके यहीं पर आ जाएंगी। तो इसका फोकस कितना है? 20। तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए? 20। समझ आया पोजीशन? तो इसमें कुछ सॉल्विंग जैसा बहुत खास था ही नहीं, सिर्फ क्या था, पैटर्न था एक कि आपको आइडिया बेटर है कि क्या एग्जैक्टली करना है। तो कितनी दूर रखना चाहिए इससे, 20 सेंटीमीटर या फिर मिरर से 30 सेंटीमीटर पे रखना चाहिए। क्लियर? बताओ इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ आइडिया वाइज डाउट कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आया कुछ ऐसा? ओके है? ओके चले तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मिरर से अभी क्या क्या चीजें वेरी होंगी। ये तो हमने वन स्टेप अभी देखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं।
चले पहले बताएं, क्या मुझे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की जरूरत है क्या फॉर लेंस? फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की जरूरत है क्या? u कितना है? 20. माइनस 20. बट लॉजिकली ये वैल्यू क्या है? 2f जितनी है ना. हाँ. तो क्या सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं. v की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी? प्लस 20. कोई डाउट किसी को? ओके तो आई गेस इसमें किसी को कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए. सॉल्व करना ही नहीं भाई, इसीलिए क्वेश्चन इसी तरीके से दिए जाते हैं एग्जाम में कि कुछ पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ पार्ट आपको जल्दी से हो जाएगा. सो वी भी क्या होगा? 2f होगा और प्लस का 20 हो जाएगा. अच्छा अभी थोड़ा सा बना लेते हैं यार. अगर सोचो ये मेरा रहा, पहले था ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था पहले, इसका इमेज नंबर वन कहाँ बना? इमेज नंबर वन यहाँ पर. अब ये आई वन किसका काम करेगा इसके लिए, प्लेन मिरर के लिए? ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो फॉर लेंस ये होगा. फॉर मिरर अगर बात करें, फॉर मिरर, फॉर मिरर अगर देखें तो यू क्या बन जाएगा? ये 20 है ना, और टोटल कितना था? 40. तो बेसिकली यू जो बनेगा वो बनेगा 40 माइनस 20. आई वन की पोजीशन कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर. अब बताओ यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इस मिरर के लिए? नेगेटिव है. यू कैसा है? माइनस 20 है. अच्छा यू पता है हमें प्लेन मिरर के लिए, तो ये बताओ वी कितना हो जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इमेज किस तरफ होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस 20. समझ आया? प्लस 20 सेंटीमीटर. ये हो गया. तो अब बताओ क्या ये फाइनल इमेज है? क्या ये फाइनल इमेज है? नहीं. अभी इसका मतलब क्या होगा? रे रिफ्लेक्ट होके वापस लेंस के पास जाएंगी ना. देखो डायग्राम समझे, डायग्राम समझे कि ऐसा कुछ हो रहा है. लाइट रे आई, सॉरी ये ऑब्जेक्ट से आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और वापस रिफ्लेक्ट होके फिर मिरर इस पे लेंस पे जाएगी ना. थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं कि ये इस तरीके से आई, ये इधर आई, वापस रिफ्लेक्ट होके लेंस पे जाएगी और फिर कहीं पे कोइंसाइड करेगी. समझ आया? तो मतलब अभी अगर मिरर है तो रिफ्लेक्ट होके वापस लेंस पे जाएगी. समझ आया? सो फॉर लेंस हो गया फॉर रिटर्निंग रेज फ्रॉम लेंस. फ्रॉम मिरर टू लेंस. समझ आया? तो इसका मतलब अब लेंस को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? ये इसका बन जाएगा क्या? आई टू. आई वन समझ आया सबको? आई टू कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा. क्लियर? तो ये टोटल डिस्टेंस फिर कितनी हो जाएगी? 60. किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं. ओके तो ये सिचुएशन है. अब बताओ इमेज कहां पर बनेगा? इसका मतलब इमेज के लिए सॉल्व करें, यू यू क्या लेंगे इस बार? प्लस 60. हाँ. अच्छा अभी पॉइंट ये होता है कि अगर हम बात करें, देखें तो ये लेंस है और अभी इसके पास जो रेज आ रही हैं वो रेज ऐसा फील दे रही है कि वो कहां से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है. ठीक. तो रेज कैसी फील देने वाली है? 60 सेंटीमीटर की फील देने वाली है. और रेज फील आएगी इसे कि इधर से आ रही है. बताओ रेज रियल में आ रही है या नहीं? यहाँ पे तो रियल पे है, इस मिरर के बाद पे रियल पे है, ऐसा लग रहा था कि ये इस पॉइंट से आती हुई फील हो रही है. ठीक. तो अब ये लेंस से पास करेंगी तो लेंस क्या करेगा? इन्हें कन्वर्ज कराने का ट्राई करेगा.
और ये लेंस इन्हें कन्वर्ज करा के फाइनल इमेज कुछ यहाँ पर बना देगा। सबको समझ आया यार कि ऐसा कुछ करके फाइनल इमेज इस तरीके से बनने वाला है। I3 ये क्या है, I2। तो I2 किसकी तरह काम करेगा, U की तरह काम करेगा और उसका इमेज उस तरफ बनने वाला है। क्लियर। तो इसका मतलब ये देखें सिचुएशन, चले सॉल्व कर ले। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। डन। अब बताओ 1/f कितना है, 26. F कितना गिवन है, 10। सो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड करना है, माइनस 1/ कितना, u कितना है माइनस का 60, सॉरी u कितना है प्लस का 60। सो इसका मतलब ये इस तरफ प्लस में आ जाएगा, 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐड हो जाएगा। सो 1/10 प्लस 1/60। देखो v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हमने गलत कर दिया ना। क्या v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए? नहीं। ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिर से आपको वो चीज समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि लेंस के लिए, मिरर के लिए तो ठीक है प्लस माइनस चलता है, लेंस के लिए दोनों बातें सेम होती हैं। मतलब लेंस के लिए हमेशा आप ऐसे फील किया करेंगे कि रेज कहां से आ रही है। देखो लेंस की अगर मैं बात करूं तो अगर रेज इधर से आ रही है तो ऑफकोर्स किस तरफ जाएंगी, इस तरफ। तो अगर u इस तरफ है तो v इस तरफ आ रहा है ना। अगर f के इधर है, f से ज्यादा किसी पॉइंट पे है, हमेशा अपोजिट रहेगा। तो इसका मतलब कुछ भी हो, अगर u को मैंने नेगेटिव बोला तो v क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब मुझे पता है कि v इस तरफ बनने वाला है, u इस तरफ बनने वाला है, तो क्वेश्चन में हमें u कैसा लेना चाहिए, नेगेटिव ही लेना चाहिए, जिससे v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बेसिकली कंडीशन को फ्लिप वाला कंसिडर करेंगे, जैसा मैंने डिस्प्लेसमेंट में बताया था आपको कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ पर बना, तो अगर मैं लेंस को इस डिस्टेंस पे ले आऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट किसके जैसा फील हो, वी जैसा फील हो, तो इसका मतलब इसका इमेज कहाँ पर बना देगा, ये यू डिस्टेंस पे बना देगा। ठीक है, तो बेसिकली फिगर देखने में उल्टा लग रहा है, बट ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना। इट इज वेरी सिमिलर टू द सेम क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, यहाँ पर 60 पर रखा हुआ है और यहाँ पर क्या बनने वाला है, उसका इमेज बनने वाला है। समझ आया कि सबको क्यों ये वाला गड़बड़ है? हाँ सर। ओके तो ये सिनेरियो यहाँ तक क्लियर है। अभी हमें क्या कर लेना है फिर, तो इसका मतलब पॉइंट ये है कि यहाँ पे यू हमें कैसा ले लेना चाहिए, यू नेगेटिव लेना चाहिए। सो यू माइनस 60 हमें लेना चाहिए, तो ये प्लस हो जाएगा और जब इधर सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो जो v आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो v आएगा हमारा पॉजिटिव और u रहेगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो अब जो v आया वो करेक्ट आया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे अगर सॉल्व कर दे तो आ जाएगा 5/60। क्लियर सबको? हाँ सर। 6 का मल्टीप्लाई किया तो v कितना आ जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा, 12 प्लस 12। तो मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, इससे 12 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो इसका मतलब ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। कोई डाउट किसी को इसमें? तो फाइनली क्वेश्चन क्या पूछा कि ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, तो ऑब्जेक्ट पहले कितना था, 20 सेंटीमीटर है। तो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूर बनेगा, हाँ तो ये बना लेते हैं, ये सिचुएशन हुआ और ये मैं फाइनल रे डायग्राम, वैसे रे डायग्राम उतना जरूरत नहीं है कुछ, बट बना सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फाइनल रेज जो रिफ्लेक्ट वगैरह होंगी जितनी भी, सपोज ये गई फिर लेट से ये रेज यहाँ से गई और ये कुछ बेंट हुई यहाँ पर, एक्चुअली पहले ही बेंट हो गई थी, तो लेट से ऐसे रेज कुछ बेंट हुई फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके वापस जो बेंट हो रही है वो यहाँ कहीं पे बेंट हो रही है। क्लियर, पैटर्न समझ आया सबको? हाँ
सो फाइनल इमेज बनेगा कहां पर, यहां पर इमेज, और हमने ये डिस्टेंस भी निकाल ली है, ये कितनी आ रही है 12 आ रही है, ये 20 है, तो इन दोनों के बीच गैप कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। क्लियर, बताएं किसी को डाउट इसमें कुछ? तो ये एक 3-स्टेप क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मल्टीपल अगर हमें रिफ्लेक्शंस देखने हैं तो किस तरीके से हम चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। समझ आया सर? ये फाइनल इमेज वो भी रियल है ना? रेज सारी रियल में रिफ्लेक्ट हो रही है ना, मतलब सिंपल बात बताऊं, बहुत ही सिंपल बात बताऊं, आप टॉर्च लेके यहाँ पर खड़े हो जाओ, ठीक है, और टॉर्च लाइट ऐसे लेके खड़े हो जाओ, आप देखोगे कि आपकी जो टॉर्च लाइट कोइंसाइड होने वाली है वो यहाँ पर होगी। समझ आया? आप टॉर्च लाइट ऐसे लेंस पे डालो और लेंस पे जाएगी, फिर ऐसे बेंट होगी, मिरर पे जाएगी, फिर बेंट होगी, फिर लेंस से बेंट होगी, और कहाँ कोइंसाइड होगी? यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे चेंजेस करना पड़ा। तो आप ऐसा जब भी कभी सॉल्व करो तो ऐसा कोई भी रैंडम सा आंसर मत लेके आ जाओ, उसे चेक करो प्रॉपर, सोचो कि ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं है, ठीक। अच्छा, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? आपको पता है M1 M2 M3 कर देंगे, टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। डन? हाँ सर। सर तो फिर ये लेंस में वो कार्टेशियन के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इसमें थोड़ा सा लेंस में क्या होता है, मिरर में दिखता है, एक्चुअली मिरर है ये, मैंने कार्टेशियन बनाया, आपको दिख गया कि इसकी रेडियस इधर है, ठीक है। तो याद है मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस में मतलब जैसे प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे ये हमने 2 मिरर वाला क्वेश्चन किया था, याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कुछ ये क्वेश्चन ऐसा किया था ना, इससे रेज जा रही थी इसमें। तो सिचुएशन ये थी कि ऑल्दो ये कैसा मिरर है, कॉनकेव है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग में बिकॉज इसकी रेडियस किस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, तो इसलिए मैंने आर को भी क्या रख दिया, पॉजिटिव, और इसका यू भी पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने दोनों को सॉल्व कर दिया और आंसर आ जा रहा था। लेंस में क्या होता है, लेंस का फोकल लेंथ आप बता नहीं सकते हैं कि इस तरफ से क्या है और इस तरफ से। यहाँ पर क्या हुआ, जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्व करने लगा तो देखो रेडियस भी पता चल गई कि नेगेटिव होगी। लेंस में रेडियस बता सकते हैं क्या? नहीं। तो लेंस में हमें फिक्स मान के चलना पड़ता है कि कॉन्वेक्स के लिए हम इसे क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इवन हम अपोजिट कार्टेशियन में सॉल्व करें तब भी हमें पहले जैसा ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अब हम फोकल लेंथ पहचान ही नहीं सकते ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमने एक बना लिया है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव ही हमेशा कंसिडर करेंगे। यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे हमें पता है कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव थी, बट सॉल्विंग में हमने क्या यूज कर ली थी, एज पर द प्लेन पॉजिटिव सॉल्व यूज कर ली थी, तो इसलिए मिरर में काम चल जाता है। बट लेंस में आपको प्रॉपर देख के करना पड़ेगा, क्योंकि लेंस में हम कॉन्वेक्स को कभी भी नेगेटिव दिखा नहीं सकते हैं। तो कहीं पे भी कॉन्वेक्स बना है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो आपको इधर ही ऑब्जेक्ट रखना है और इस तरफ भी बनेगा। अगर का किसी रीजन की वजह से यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप फ्लिप कर लो। फ्लिप कर लो क्या मतलब, इसे नेगेटिव ही मानो और इसे क्या मानो, पॉजिटिव। समझ आया? तो लेंस के केस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी को हमेशा क्या मानो, नेगेटिव। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसको ही नेगेटिव मानो। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इस तरफ नेगेटिव मानेंगे और इसे पॉजिटिव करेंगे, और मैंने ऑब्जेक्ट अगर चेंज कर दिया, इधर रख दिया, तो इसको नेगेटिव कर दो और इसे पॉजिटिव, मतलब फ्लिप कर दो बेसिकली। समझ आ रही है वाली बात सबको? हाँ। साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमेशा ऑब्जेक्ट वाले साइड को ही नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं। चले नेक्स्ट और देख लेते हैं, कर्व मिरर भी देख सकते हैं हम, कर्व मिरर से भी देख लेते हैं एक एग्जांपल।
तो आप एक चीज देखेंगे कि लेंसेज में थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर लगाना पड़ेगा, आप ऐसा सिर्फ ब्लाइंडली सॉल्व तो नहीं कर सकते लेंसेज में, ठीक है। एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि लेंसेज में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बताओ क्वेश्चन पढ़ के पहले क्या डेटा हमें मिल रहा है, हमें क्या चीज कंफर्म हो रही है कि करना क्या है। क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले हमें क्या नॉलेज फाइल मिल रही है कि हमें क्या करना चाहिए। अरे बताया मैं क्या पूछ रहा है, फाइनल इमेज कौन सा ऐड करना है, मतलब क्या होना चाहिए, मिरर पे कैसे आना चाहिए ऑब्जेक्ट। परपेंडिकुलर। अब बताओ कर्व मिरर में परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे। रेडियस मतलब कहां पर एग्जैक्टली और कहां पर फील होना चाहिए मिरर को कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है। प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर पे कहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर पे। तो रेज अगर सेंटर से आएंगी तो वो सेम पाथ से वापस चली जाएंगी। क्लियर है ये चीज। फॉर रेज टू रिट्रेस दियर पाथ क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड फील kept at center of curvature. Clear? तो इसका मतलब कि पहले वाले एक कॉनकेव से मिरर इमेज कहां पर बनाना है हमें, कितनी डिस्टेंस पे। 60 सेंटीमीटर पे बनाना है। तो ये क्लियर हो गया कि फॉर कॉनकेव लेंस, इमेज कहां पर बनाना है हमें, वी 60 सेंटीमीटर। समझ आया, कोई डाउट किसी को। अच्छा वी प्लस 60 या माइनस 60 कहां पर बनाना है, सॉरी ये वी क्या है, माइनस 60 है कहां से, फ्रॉम मिरर है। तो ऑब्जेक्ट से कितनी होगी, ऑब्जेक्ट से 10। लेंस से हमें पता है क्या, नहीं पता। तो मतलब बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये क्वेश्चन। पॉइंट समझ आया, क्योंकि हमें एज्यूम करना पड़ेगा ना, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है यहां पर। डन। तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि फ्रॉम मिरर ये है, तो फ्रॉम लेंस कितनी हो जाएगी, बताएं लेंस से। लेंस से कितनी हो जाएगी, हमें पता है कि यहां कहीं बनना चाहिए इमेज। ये क्लियर सबको समझ आया कि कॉनकेव को इमेज कहां बनाना है, यहां कहीं पर बनाना है, जिससे मिरर को क्या लगे कि वो कितनी दूर है, 60 पर है। तो मिरर फिर उसे वहीं पर बना देगा। तो इसका मतलब ये कितनी डिस्टेंस बची, 10 बची ना। तो इसका मतलब कितना फील होना चाहिए, x प्लस 10 जितना। क्लियर। अच्छा u कितना है, x, f कितना है, माइनस का 20। समझ आया, इन्हें सॉल्व कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। चले जल्दी से सॉल्व करें इसे जल्दी, देखें x की वैल्यू क्या आ रही है। लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते, 1/f = 1/v - 1/u। देखिए 1/f - 20 = -1/v कितना है, माइनस एक्स प्लस 10 जितना, -1/u कितना है, -x जितना। देखिए आएगी क्वाड्रेटिक टाइप बन जाएगी फिर। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखें क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी या नहीं। सो माइनस बेसिकली कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं सबके। सो ये हो जाएगा 1/20। क्वाड्रेटिक एलसीएम ले लेते हैं, x x + 10। ये माइनस गया, ये माइनस गया,
तो यहाँ पर क्या आएगा x माइनस ऑफ x प्लस 10। ओके तो ये सिचुएशन यहाँ पर आ गई हमारी। अब क्या हुआ कि इसे सॉल्व करें तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आएगा 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200। देखें फैक्टर हो रहे हैं क्या। हाँ ओके क्या है फैक्टर्स देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 200 है सो 200 है तो क्या हो जाएगा 20 10। सो 20x माइनस 10x माइनस 200। तो देखो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी इसका हो जाएगा x प्लस 20 एक फैक्टर आएगा और x माइनस 10 एक फैक्टर आएगा। तो ऑफ कोर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यूज दो होगा ना। हाँ ओके ओके ये माइनस आएगा यहाँ पर, यहाँ पर एक माइनस आएगा तो उसके वजह से वो क्या आएगा प्लस 200 आएगा। फैक्टर्स होंगे क्या, नहीं होंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स होंगे क्या, दोनों प्लस रहने में तो फैक्टर्स नहीं रहेंगे। एक मिनट देखें, फिर हमने साइन में कुछ कुछ गड़बड़ किया है देखें। इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर्स होंगे ही नहीं ना, इसके फैक्टर्स ही नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, ये बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे माइनस का प्रॉब्लम आ रहा है ना, मतलब क्या माइनस का प्रॉब्लम आ रहा है तो मतलब ये कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव की जगह क्या कर दें इसे कॉन्वेक्स कर दे तब काम बन जाएगा। समझ आया, ठीक है। तो अगर कॉन्वेक्स करेंगे तो माइनस का प्रॉब्लम हट जाएगा हमारा, तो इसे हमने क्या कर दिया कॉन्वेक्स कर दिया तो ये हमारा प्लस का 20 ही रहेगा, तो प्लस का 20 रहेगा तो हम सॉल्व कर देते हैं इसे। सॉल्व करके एट द एंड हमें क्या आना चाहिए, ये चीज प्लस आएगा और ये माइनस आएगा ऑलरेडी, तो ये माइनस एक्स आएगा और ये प्लस ये आएगा, मतलब ये प्लस आ जाएगा। समझ आया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए नहीं सॉल्व होगा। समझ आया आपको। हाँ। तो एक्स के दो वैल्यूज है, माइनस 20 है एंड क्या है एक्स की वैल्यू 10। अब बताओ क्या लेंगे, 10 लेंगे या 20 लेंगे, कौन सा करेक्ट होगा, आपको लग रहा होगा ये करेक्ट है, लग रहा है आपको, क्योंकि यू कैसा होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए ना, बट आप देखो कि हमने ऑलरेडी रख दिया था साइन, आप देख रहे हैं हमने ऑलरेडी साइन रख दिया था, मतलब हम ऑलरेडी मान के क्या चले हैं कि एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर। आप समझ आए यहां पर, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, तभी तो हमने वो नेगेटिव आगे उसके लगा दिया है कि यू नेगेटिव होगा, मतलब हमने एक नंबर माना हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है, ये वाला डिस्कार्डेड है, ठीक है ये वाला करेक्ट होगा। और अभी फील भी आ जाएगा कि क्यों ये करेक्ट होना चाहिए, चलो डायग्राम बना देते हैं तुरंत फील आ जाएगा। देखो क्या रहा है कि इमेज कहां पर होना चाहिए 10 सेंटीमीटर पे, ये क्या लिख क्या रहा है, ये 10 होना चाहिए 10 सेंटीमीटर पे, तो अगर 10 होगा और फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है, इससे भी 10 डिस्टेंस पे, ये कंफर्म है, ये क्या बन रहा है ये इमेज है और ये क्या है ऑब्जेक्ट है, तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, याद है ऑब्जेक्ट से पीछे की तरफ इमेज कब बनता है, किस केस में इमेज बनता है ऑब्जेक्ट से पीछे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पहले आ जाए तो फिर उसका इमेज इस तरफ ही बन जाता है लार्जर, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका फोकस कितना है 20, तो 20 से कम रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका इमेज किस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। समझ आया, अगर आप 20 पे रख देंगे तो कहां बन जाना चाहिए था फिर इमेज, इनफाइनाइट पे, तो इससे पता चलता है कि 20 इनकरेक्ट है और करेक्ट वाला क्या है ये। पॉइंट समझ आया सबको,
हाँ तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बची फिर कितनी, 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट रखा है 50 पे बट उसका इमेज बन जाएगा 60 पे, सो मिरर को लगने वाला है कि वो रेज कैसे आ रहे हैं, 60 से पास होते हुए आ रहे हैं, इसलिए उन्हें उसी पाथ पे रिटर्न कर देगा और फाइनल इमेज वहीं पर बन जाएगा। क्लियर? हाँ ठीक है। तो इसको अगर चाहिए रे डायग्राम आपको बनाना है तो बना सकते हैं कि देखो ये रेज ऐसे जा रही हैं, इन्हें जाना चाहिए था ऐसा, ये क्या करेगा थोड़ा, ये लेंस कैसा करेगा, उन्हें कन्वर्ज कराएगा, समझ आया सबको, ये लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज कराएगा, कन्वर्ज करा के ऐसी फील दिलाएगा कि वो रेज कहाँ से आ रही हैं, उसके आर से आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आर से आती हुई फील होगी तो वो इसी डायरेक्शन में उन्हें रिटर्न कर देगा और फिर ये वापस से उन्हें कन्वर्ज करा के ऑब्जेक्ट पे कॉन्साइड करा देगा। समझ आया रे डायग्राम? हाँ सर। ओके तो रे डायग्राम से थोड़ा सा फील आ जाता है, इसलिए मैंने रे डायग्राम भी आपको समझा दिया। वैसे एग्जाम में कभी जरूरत नहीं रहती बट आपको अपने आंसर्स वेरीफाई करने के लिए बहुत जरूरत रहती है। ठीक है, क्लियर है यार सबको? अच्छा देखो, कॉनकेव से पॉसिबल क्यों नहीं था, क्यों कॉनकेव से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कॉनकेव लगा दिया होता तो अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये रेस जाती, कॉनकेव क्या करता है, इन्हें डाइवर्ज करता। हाँ। तो डाइवर्ज करता इसका मतलब क्या लगता कि इमेज कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, मतलब इमेज किससे पहले बन जाता, ऑब्जेक्ट से। कॉनकेव में कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इमेज क्या हो, ऑब्जेक्ट से दूर बन जाए, हमेशा कहाँ बनेगा, उससे पहले बनेगा। समझ आया? तो मतलब मिरर को अगर मैं आर 40 कर देता तो फिर किससे काम बन जाता, तब कॉनकेव से आंसर आ जाता। समझ आया? हाँ। तो तब के केस में क्वेश्चन बन जाता। तो इस तरीके से थोड़ा सा एनालिटिकल फॉर्मेट में तो हमें सोचना ही पड़ेगा। डन। सो मिरर वगैरह का फील आया कि मिरर से मल्टीपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ओके, मल्टीपल लेंसेज को भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखें।
बताएं क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले हमें ये देखना है कि रेज क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो बताओ कॉनकेव के बाद पैरेलल कब हो सकती है रेज? कॉनकेव को क्या फील आना चाहिए कि रेज पैरेलल हो जाए? फोकस से रेज पैरेलल कब होंगी आपको ये फील करके बताना है। बताओ रेज पैरेलल कब होती हैं कॉनकेव में? फोकस से होगा, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल केस है? अगर ये फोकस है तो नहीं पॉसिबल है क्या ऐसे? नहीं, क्योंकि अगर ऐसे रेज गई तो ये तो कन्वर्ज हो रही है ना, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरफ रेज पैरेलल होती हैं कॉनकेव का फोकस उसी तरफ होता है। क्लियर? मतलब कॉनकेव की ये खास बात है, देखेंगे यहाँ पर मैं बना देता हूँ। कॉनकेव की थोड़ी सी अगर आपने इमेज फॉर्मेशन ध्यान दी है तो ये चीज आपको याद भी रखना चाहिए कि कॉनकेव में आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम लाइट रेज इधर से डाल रहे हैं तो जो फोकस आने वाला है वो किस तरफ आएगा? लाइट रेज इस तरफ डाइवर्ज होंगी और फोकस हमें कहाँ फील होगा? इस ही तरफ फोकस मिलता है। तो जिस तरफ पैरेलल रेज होती है उसी तरफ फोकस मिलता है। तो इसका मतलब ये फोकस होगा क्या? नहीं, कहाँ पर होगा फोकस इसका? ये वाला पॉइंट, जब रेज इस पॉइंट पर आ रही होंगी तो डाइवर्ज होने के बाद ऐसा, इस पॉइंट पर आ रही है मतलब आना चाहिए था उन्हें इधर, अभी क्या हो गई वो डाइवर्ज हो गई थोड़ी सी। पॉइंट समझ आया सबको? ये वाला फोकस होगा अगर रेज पैरेलल होनी है तो। कोई डाउट क्या इसमें बताएं? नहीं सर। ओके, तो अब देख लेते हैं कि फर्स्ट कॉनकेव से इमेज कहां पर बनेगा। क्लियर? सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस देखें, फॉर कॉन्वेक्स लेंस देखें इमेज कहां पर बनेगा। 1/f = 1/v - 1/u। तो f कितना है इसका? कॉन्वेक्स का 20। सो ये हो गया 1/कॉन्वेक्स है प्लस का 20। 1/v हमें फाइंड करना है। u कितना हो गया क्वेश्चन में? कितना गिवन है u? 30। सो u कितना हो गया? माइनस का 30। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? माइनस 30 प्लस हो जाएगा ये, तो 1/v क्या आ गया? 1/20 माइनस 1/30। क्लियर? तो एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 और ये 1। सो v की वैल्यू क्या आ गई? 60। अब देखो आंसर करना है। अब यहाँ पे गड़बड़ होता है। क्या होता है? जब हमें पता चल गया कि फाइनल इमेज 60 पे बनेगा तो कुछ लोग क्या सोच लेते हैं कि ये लेंस है, ये कॉनकेव है और हमें इमेज बनाना है। यहाँ पर लेट से ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था और हमने यहाँ पर रेज गई और कहाँ पे कौन साइड होनी चाहिए? यहाँ पर ये बनना चाहिए फोकस। तो यार अगर ये फोकस बनेगा तो क्या रे दोबारा कभी इससे जाने के बाद पैरेलल होंगी क्या? नहीं, और डाइवर्ज करेंगी ना, पैरेलल कभी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये केस गलत है। सही केस क्या है? ये वाला कि फोकस कहाँ होना चाहिए? लेंस के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। डन? तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि लेंस को इस तरीके से रखना है कि जो फोकस आपका फाइनल होने वाला है वो ये डायरेक्शन में आएगा, यहाँ। कोई डाउट किसी को? नहीं। तो फोकस आना चाहिए यहाँ और यहाँ पढ़ने के बाद लाइट रेज फाइनली क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर? तो इसका मतलब सिचुएशन क्या है? इसका मतलब सिचुएशन ये है कि जो हमें 60 आया हुआ है वो यहाँ तक है। अच्छा, इसका फोकस कितना है? ये 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? 50 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए।
क्लियर समझ आया सबको? बताएं इसमें किसी को कोई डाउट इस केस में? कॉन्क्यू के फोकस वाले में यहाँ पर हमने बताया ना, पहले ये केस देखो कि अगर पैरेलल रेज आ रही है कॉन्क्यू में तो पहले डाइवर्ज होंगी, ये वाला केस। अगर डाइवर्ज होंगी तो उसका फोकस कहाँ फील होगा आपको? उसी तरफ फील होगा जिधर से रेज आ रही है, इधर पे नहीं फोकस फील होने वाला। कॉन्वेक्स का जस्ट उल्टा होता है, तो मतलब कॉन्केव का फोकस उसी तरफ होता है जिस तरफ पैरेलल रेज होती हैं। तो अगर पैरेलल रेज इस तरफ जा रही है, क्वेश्चन में दिया है कि कॉन्केव के बाद पैरेलल हो जानी है, तो अगर रेज पैरेलल है मतलब उसका फोकस किधर है? ये वाला है। यहां से जब रेज आ रही होंगी तब पैरेलल बनेंगी, तो इसका मतलब ये होगा कि रेज जब फील आ रही होंगी इस पॉइंट पे आती हुई, इस पॉइंट पे फील आ रही होंगी, तब वो पैरेलल बन जाएंगी। समझ आया? क्योंकि इधर है और अब वो डाइवर्ज हो जाएंगी अपना, इसके बाद डाइवर्ज होके वापस वो पैरेलल हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो दे, आज के सारे क्वेश्चंस में आप देख रहे हो कि सिर्फ वैल्यू पे काम नहीं बन रहा है। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना पड़ेगा, आपको थॉट भी देना पड़ेगा। तो ये खास बात थी कि मिरर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मिरर में तो स्ट्रेट होता है, लेकिन लेंसेज में आपको थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। तो मुझे लगता है काफी सारी चीजें ओके हैं, कोई डाउट इसमें? चले, तो मुझे लगता है यहां तक हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। लेंस पे काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लेंस के बारे में, फोकल लेंथ और इमेज फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेंस को लेके पावर, ठीक है? उनका पावर कैसे डिफाइन रहता है ये देख लेते हैं। ओके, सो पावर ऑफ लेंसेज, देखें पावर ऑफ लेंसेज क्या है, कैसे डिफाइन है। बहुत ही सिंपल वे में डिफाइन है पावर ऑफ लेंसेज की अगर हम बात करें। सो पावर ऑफ लेंसेज है P इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ, ठीक है? बट ये फोकल लेंथ का यूनिट जो होगा इसे हम 100/ फोकल लेंथ भी लिख देते हैं कभी कभी। फर्क सिर्फ ये है कि यूनिट क्या यूज करने वाले। यूजुअली क्या होता है, फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर पे दी होती है, तो अगर सेंटीमीटर में दी हुई है, ये क्या है फोकल लेंथ, बट ये यूनिट क्या है इन सेंटीमीटर अगर आपको दिया हुआ है। बट 1/100 कब यूज करेंगे, जब फोकल लेंथ आपको सिंपल किसमें दी है मीटर में, तो यूजुअली क्या 1/f की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, 100/f बेटर रहता है क्योंकि उसमें क्या होता है सेंटीमीटर में दी होती है यूजुअली बाकी सारी चीजें। तो ये हो गया 1/ फोकस। अब बात करते हैं पावर का यूनिट। तो इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है डायोप्टर। क्या डायोप्टर, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं डायोप्टर। तो लेंस का जो यूनिट है वो डायोप्टर में आता है, और फोकल लेंथ को 100/f टाइप पे यूज कर सकते हैं। f हमें किस में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है, ठीक है? एक चीज समझना है कि पावर डिसाइड करता है कि किस टाइप का लेंस है। मतलब अगर मैं बात करूं पावर, उसका पावर p है, p अगर पॉजिटिव आ गया, पावर अगर पॉजिटिव है तो नेचर कैसा होगा, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग नेचर का मतलब यही है क्या, कि पावर क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कन्वर्ज कराएगा। मतलब अगर मैंने एक ऐसा मटेरियल बना दिया, ऐसा रैंडम सा कुछ ऐसा, और आपको बोला कि यार ये रेज कन्वर्ज करा रहा है, रेज जा रही थी ऐसे, इसने इस तरफ कन्वर्ज करा दी रेज को, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? रेज को अगर कन्वर्ज करा दिया है तो ये इसकी पावर कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो बेसिकली पावर तो सिर्फ
एफ पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब एफ ही डिसाइड करेगा ना कि पावर कैसी है। एफ अगर पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव आनी चाहिए। हाँ तो मतलब एफ के अकॉर्डिंग ही जैसे हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव किया था वैसे ही हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है। ओके तो ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की बात हुई। तो अगर आप मिरर की बात करें, कॉनकेव किस टाइप का मिरर है, कॉनकेव किस टाइप का मिरर है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कॉनवर्जिंग। कॉनकेव कन्वर्जिंग है। अच्छा बट इसका फोकल लेंथ कैसा रहता है? नेगेटिव। एफ नेगेटिव रहता है। तो यार एक प्रॉब्लम आ जाएगी ना, अगर आपने यहाँ पर फॉर्मूले में एफ नेगेटिव रख दिया तो पावर भी कैसा आ जाना चाहिए, नेगेटिव आ जाना चाहिए। पावर भी कैसा आ जाना चाहिए, नेगेटिव। तो इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना। हमें तो पता है कि कन्वर्जिंग के लिए पावर कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं बात करूं किसके लिए, पावर के लिए यहाँ पर, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, पावर फॉर मिरर, मिरर्स अगर बात करें पी मिरर्स के लिए, और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर मिरर्स हमें एक माइनस एक्स्ट्रा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है तो पी मिरर की बात करें अगर हम, तो हम उसे लिखेंगे माइनस वन अपॉन एफ। ओके क्या लिखेंगे, माइनस वन अपॉन एफ और माइनस हंड्रेड अपॉन एफ। बट ये एफ किस में होगा, ये एफ मीटर पे होगा और ये एफ किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो ये था, हमें थोड़ा सा चीजों को ध्यान देना है, इतना तो बहुत बेसिक में था, ऐसा कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड सा है नहीं। तो पावर बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल हैंडल कर सकते हैं। चलिए एक मिनट होल्ड करें, एक सेकेंड होल्ड करें सब लोग। ओके चले तो पहले हमने क्या देखा है, पावर्स में देखा कि लेंस के पावर में हम सिंपल कर सकते हैं बट मिरर्स के लिए माइनस यूज करेंगे, रीजन कि हमें कन्वर्जिंग की पावर कुछ भी करके पॉजिटिव रखनी रहती है, तो इस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हम वहां पर यूज करते हैं। अभी देख लेते हैं कि अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो किस तरीके से हमें चीजें देखनी है। तो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशंस की, सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में मतलब बहुत ही वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन है, बट हमें बहुत ही सिंपल वे पे एक चीज समझनी चाहिए कि अगर कोई भी लेंसेज है, लेट्स से बहुत सारे लेंसेज हैं, तो अच्छी बात ये होती है लेट्स से बहुत क्लोज रखे हुए, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो इन सब का एक अपना पावर, अपना एक फोकल लेंथ, अपना एक सारा पॉइंट रहेगा।
तो लेट से इनका फोकल लेंथ या लेट से इनका पावर मान लेते हैं कुछ, लेट से फोकल लेंथ F1, F2, F3 फोकल लेंथ है और ये बहुत क्लोज रखे हुए हैं, तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि इनको हम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सबको मिला के हम क्या लिख सकते हैं, F इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो पॉइंट समझ में आया कि कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि तीन लेंसेज को सॉल्व करने से बेटर है कि क्या सॉल्व कर दें, एक लेंस सॉल्व कर दें। अब प्रॉब्लम देखें कि फोकल लेंथ कभी भी ऐड नहीं होती है, क्या चीज ऐड होती है सबकी, पावर ऐड हो जाती है। तो कभी भी अगर आपको इक्विवेलेंट सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हैं दैट पावर इक्विवेलेंट विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3 लाइकवाइज, कितने भी होंगे सबका पावर ऐड हो जाएगा विद साइन, क्योंकि अगर बीच में एक कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है तो वो उसकी पावर को कम कर देगा ना। तो याद रखना ये सब कैसे करना है, विद साइन। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो फिर फोकल लेंथ हमें जस्ट अभी पता है, उल्टा लिख सकते हैं 1/F equivalent क्या हो जाएगा, 1/F1 plus 1/F2 plus 1/F3 likewise। तो इसमें किसी को कोई डाउट, अगर बहुत सारे लेंसेस पास पास रखे हुए हैं तो डायरेक्ट उनका कॉम्बिनेशन कैसे निकाल सकते हैं? नहीं। ओके, गुड गुड। तो ये पहला सिनेरियो है कि लेट्स से हमने इस तरीके से देखा। अभी क्या इसमें कई बार डिफरेंट वैरायटी भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको लेंसेस पता ही चल जाएगा। देखें कैसे, सपोज मैंने कुछ ऐसा सिनेरियो दे दिया कि लेट्स से दो लेंसेज हैं, इनका कुछ का अपना अपना स्पेसिफिकेशन होगा वो हमें नहीं पता लेट्स से, बट यहाँ पर लेट्स से कोई डिफरेंट मटेरियल भर दिया है, लेट्स से यहाँ पर कोई डिफरेंट मटेरियल कर दिया हुआ है, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? तो इसका मतलब ये है कि हम इसे सिंपली ये नहीं कह सकते क्या कि ये रखा हुआ है और फिर एक कॉनकेव रखा हुआ है और फिर एक कॉन्वेक्स रखा हुआ है। समझ आया? हाँ। तो इस तरीके से F equivalent भी निकाल सकते हैं ना। तो हमें हमें ऐड क्या करना है, पावर। मान लेते हैं ये मटेरियल कुछ N1 है, ये कुछ N2 है, ये कुछ N3 है, तो फिर तीनों को सॉल्व करके F1 F2 F3 निकाल लेंगे। ये तो बाई कॉन्वेक्स हमें निकालना आता ही है, ये N2 और ये N3। समझ आया? इस तरीके से भी हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन था कि अगर बहुत सारे लेंसेज रखे हुए पास में, सोचो लेंस और मिरर मिला के रख दिया हुआ है, तो ये एक स्पेशल पॉइंट है और काफी अच्छा पॉइंट है। क्या? लेंस विद मिरर। मतलब देखिए लेंस विद मिरर क्या होगा, लेंस विद मिरर है मतलब ये लेंस है और लेट्स से इसका एक सरफेस मिरर है, तो क्या होगा? तो जरा देखें, एक प्रॉब्लम आएगी आपको, एक चीज समझना पड़ेगा कि जब भी मिरर आ जाता है तो मैंने क्या समझाया कि लेट्स से अगर मिरर आ गया है, लेट्स से मिरर आ गया है तो क्या सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि लाइट रे पहले पास होगी इसमें, ये बेंट कराएगा, इसके पास जाएगी, रिटर्न होगी और ये फिर और बेंट कराएगा ना उसको। समझ आ रहा है? तो जब भी कभी मिरर के बाद कोई सिनेरियो होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि लेंस इज यूज्ड टू टाइम्स फॉर फाइनल इमेज, फॉर फाइनल इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर द लेंस इज बींग यूज टू टाइम्स, द लेंस इज यूज टू टाइम्स। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इनका इक्विवेलेंट बनाऊंगा, इनका लेट से मैं इक्विवेलेंट बनाना चाहता हूं, तो इनका इक्विवेलेंट लेंस बन जाएगा क्या? नहीं, लेंस तो नहीं बनेगा। क्यों लेंस नहीं बन सकता? क्योंकि रिफ्लेक्शन भी तो चाहिए ना हमें, तो इनका इक्विवेलेंट हमेशा क्या बनेगा, एक मिरर ही बनेगा। समझ आया सबको? इसका इक्विवेलेंट लेंस बना दोगे तो ले रिफ्लेक्ट कहां हुई, रिफ्लेक्ट हो पाएगी क्या कभी? नहीं। तो ये कंफर्म है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, एक मिरर बनने वाला है। बट हमें यह याद रखना है कि लेंस की पावर कितनी टाइम्स यूज हो गई है, दो बार,
तो इसका मतलब जब हम इस इक्विवेलेंट पावर को निकालेंगे, क्या इक्विवेलेंट पावर, तो याद रखना कि टू टाइम्स पावर ऑफ लेंस यूज होगी प्लस पावर ऑफ मिरर, और ये बहुत ही अच्छी चीज थी यहां पर समझने के लिए। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? जब हम इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना चाहेंगे तो लेंस की पावर दो बार यूज हो गई है, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर सबको? क्लियर है सबको यहाँ पर? हाँ। देखें अभी क्या सिचुएशन हो सकती है कि ये तो मैंने बताया कि ये क्या बनेगा, मैं सेक मिरर बनेगा, बट सॉल्विंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। मिरर के लिए हम कैसा लिखते हैं फोकल लेंथ? वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट लिखते हैं ना, माइनस लिखते हैं, ठीक है, तब प्रॉपर साइन आएगा, क्योंकि अगर आप माइनस यूज नहीं करोगे तो फिर आपको साइन नहीं आएगा एफ का, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान देना है। लेंस में तो सिंपल रहता है तो लेंस की कोई टेंशन ही नहीं है, वन अपॉन एफ लेंस, फिर ये वाला भी मिरर है तो इसमें भी माइनस यूज करेंगे मिरर। क्लियर? तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें चीजों को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पे अगर हमें चाहिए तो हम कर सकते हैं। ओके एक थर्ड सिनेरियो है, ये इतना पूछा नहीं जाता, बहुत रेयर ही आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्या कि दो लेंसेज दूर दूर रखे हुए हैं। पहले केस में हमने क्या किया हुआ था, लेंसेज को बहुत ही क्लोज रखा हुआ था, जिससे क्या सिचुएशन होगी, जो पहले पे इमेज बनता है वो डायरेक्टली हम दूसरे का क्या मान लेंगे, यू, हमें वो बीच का सेपरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो थर्ड केस में अगर हम मान लेते हैं कि लेंसेज थोड़े से डी डिस्टेंस पर है, तो सिचुएशन देखें, हमने सिचुएशन ऐसी मानी है कि दो लेंसेज हैं और वो डी डिस्टेंस अपार्ट है, तो फिर क्या होगा, समझ आया सिचुएशन? हाँ सर। इसका इक्विवेलेंट सेटअप क्या होगा, तो देखें इसका इक्विवेलेंट सेटअप, अच्छा इसका इक्विवेलेंट सेटअप जो होगा उस पे एक प्रॉब्लम होगी ना, इक्विवेलेंट रखोगे कहाँ पे, जब सारे क्लोज थे तो तीनों को हटा के एक रख दो, लेकिन ये दो तो डी डिस्टेंस पर है ना, तो इसका मतलब इनके जो इक्विवेलेंट को रखोगे उसकी भी तो कोई पोजीशन आएगी ना, तो लेट से ये किसकी पोजीशन है, ये एफ वन वाले की पोजीशन है, ये एफ टू वाले की पोजीशन है, और हमें एफ इक्विवेलेंट की पोजीशन देखनी होगी, समझ आया? ये हो गया हमारा एफ इक्विवेलेंट की पोजीशन, ठीक है। तो लेट से हमें चाहिए कि किसी एक से, मान लेते हैं टू वाले से कितनी दूरी पे हमें रखना है x, तो अगर टू वाले से रखेंगे तो f1 को यूज करेंगे, और अगर f1 से x दोगे तो f2 को यूज करेंगे, बेसिक क्रॉस पॉइंट। देखिए आंसर क्या होता है, आंसर आपको याद रखना है कि अगर आपको इक्विवेलेंट पावर चाहिए इस केस में तो p इक्विवेलेंट होता है पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन पी टू। क्लियर? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर डी डिस्टेंस अपार्ट है तो ये माइनस डी पी वन पी टू याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट ही पूछा जाता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ केसेस नहीं है, जब भी पूछा जाएगा आपको डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते इसके कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू माइनस डी टाइम्स ऑफ एफ वन एफ टू। ओके तो ये सिचुएशन हो गई हमारी फोकल लेंथ को लेके। अभी हमने क्या बताया, पोजीशन, ये पोजीशन अगर हमें चाहिए तो ये पोजीशन, लेट्स से पोजीशन फ्रॉम लेंस टू, लेंस टू से अगर हमें पोजीशन चाहिए तो एक्स इज इक्वल टू है, कहाँ पे प्लेस करना चाहिए उसे, दैट विल बी डी इनटू एफ इक्विवेलेंट, और
अगर टू से पोजीशन चाहिए तो नीचे क्या रखेंगे, एफ वन रखेंगे, अगर वन से चाहिए तो एफ टू रखेंगे। तो इस फॉर्मेट में आप ये भी याद कर सकते हैं। बता, किसी को कोई डाउट यहां तक समझने में? पावर को लेके हमने जो तीनों केसेस देखे हैं, हमने सिंपल लेंस का केस देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का, लेंसेस विद मिरर भी देखा, लेंसेज विद मिरर में लेंसेज का टू टाइम्स इफेक्ट, और अगर डी डिस्टेंस अपार्ट है दो लेंस तो क्या रखेंगे। बता, किसी को इतने केसेस में कुछ डाउट? सर लास्ट वाले केस में अगर डिफरेंट इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उनका पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, एफ वन एफ टू अलग अलग निकालेंगे ना फिर। एफ वन एफ टू इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे। हाँ हाँ ठीक है, जो इनका n1 n2 दिया होगा, f1 का फॉर्मूला है ना हमारे पास लेंस के लिए, 1 upon f n1 minus 1, 1 upon r1 minus r2, ठीक है? देखते हैं, एक दो एग्जांपल दे देते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लग जाएगा कि कैसे चीजों को यूज करना है, उनका काम क्या है। ठीक है, चले अच्छा पूरा फुल एग्जाम्पल ही दे देते हैं जिससे आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़े। लेट्स से ये लेंस है, ये मिरर है, इसकी रेडियस है लेट्स से 40, और इसको भी 40 मान लेते हैं पहले, क्यों टेंशन हो, सॉल्व करना इजी रहे। और ये जो मटेरियल है n वो लेट्स से 3/2। ओके, सो फाइंड करें, फाइंड द focal length of combination, find the equivalent अच्छा कॉम्बिनेशन से बता इजी क्या हो जाएगा। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करके बोलता कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज बनाओ, पता है कितना टफ होता आपको? पहले आप क्या करते, लेंस में बनाते, तो लेंस से एक इमेज आता, वो क्या काम करता, इसके लिए यू का काम करता, फिर उस यू से क्या निकालते, वी आई टू निकालते, तो पहले आई वन आता, फिर आई टू आता, और फिर फाइनल क्या आता, आई थ्री। समझ आ रहा है कि क्वेश्चन कितना टफ हो जाता अगर मैं ये दे दूं आपको, कुछ दे दूं, फाइंड लेट्स से आल्सो फाइंड लेट्स से मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट Let's say kept at 40 centimeter. Or 50 centimeter, let's say. Kept at 50 centimeter. तो ये सबसे tough part बन जाता, but equivalent के वजह से ये part क्या हो जाएगा, बहुत easy हो जाएगा solve करना। तो बताएं equivalent कैसे solve करेंगे, क्या हो जाएगा, P equivalent कितना आएगा, 2 times power of lens plus power of mirror. Okay, good. अब देखो साइड पे, अभी साइड पे एक सॉल्व करके रख लेते हैं कि यार ये पावर ऑफ लेंस के लिए इन सब का फोकल लेंथ चाहिए ना, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैसा है, बाई कॉन्वेक्स है, दोनों रेडियस कितनी है, 40, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, आर बाई टू n माइनस वन। ठीक, अगर ये नहीं होती तो फिर पूरा फॉर्मूला यूज करते r1 r2 वाला, तो r कितना है, 40 by 2 into 3 by 2 minus 1, आंसर क्या आ जाएगा, 40। क्लियर? अच्छा मिरर का कितना है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव, तो माइनस कितनी हो जाएगी, r by 2 मतलब कितनी, माइनस का 20,
पता है ना कौन क्यू का माइनस लेते हैं, तो ये हो गई माइनस का 20। अब चले सॉल्व कर लेते हैं। ओके तो देखें माइनस एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंस क्या होगा 1/40 प्लस का 40 रहेगा ना क्योंकि क्या है कॉन्वेक्स है। मिरर में क्या होता है माइनस 1/f होता है और f की वैल्यू खुद कितनी है माइनस 20। क्लियर है इसमें कोई डाउट किसी को? ओके गुड तो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/20 प्लस 1/20 मतलब कितना आ गया 2/20 मतलब कितना हुआ 10 1/10 तो f इक्विवेलेंट कितना आ गया माइनस 10 माइनस मैंने बताया ना कि हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया इसका मतलब ये क्या है एक टाइप का कॉनकेव मिरर है। समझ आया फाइनल कॉम्बिनेशन क्या है कॉनकेव मिरर है फाइनल इक्विवेलेंट और हमें क्या चाहिए मैग्निफिकेशन चाहिए। तो अगर हम अलग अलग करते तो समझो कितना टफ होता पहले निकालते I1 I2 फिर I3 निकालते उसकी जगह हमने क्या कर लिया तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल लिया तो f इज इक्वल टू क्या होगा u पता है 50 तो क्या हो जाएगा f ओवर f प्लस u लिखेंगे f माइनस u लिखेंगे बताएं f माइनस u क्यों मिरर है इसलिए क्योंकि ये मिरर है। वेरी गुड यार वेरी गुड बहुत ही अच्छे क्या कि f प्लस u मत यूज कर डालना लेंस नहीं यूज करना क्यों क्योंकि जो इसका इक्विवेलेंट बनता है वो मिरर बनता है तो इसका इक्विवेलेंट बनेगा मिरर मिरर मतलब f माइनस u यूज करेंगे तो ये होगा माइनस 10 ओवर माइनस 10 ओवर माइनस ऑफ माइनस कितना u कितना है क्वेश्चन में कितना दे दिया हमने 50 ले लिया है 50 तो इसका मतलब माइनस ऑफ 10 ओवर माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 50 तो कितना आ गया ये माइनस 1/4। समझ आया सबको कि क्वेश्चन कितना इजी हो गया है ये कॉम्बिनेशन वाले पैटर्न के वजह से। ओके गुड ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा लेट्स से सॉल्व करते हैं फोकल लेंथ देखें चले सॉल्व करें दोनों केसेस पे वैल्यू देखें कि कितनी हो जाएगी। लेट्स से आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर तो दोनों केसेस में सॉल्व करें फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है बताएं मिरर और लेंस का क्या कॉम्बिनेशन आएगा पीक इक्विवेलेंट क्या आएगा 2 times power of lens plus power of mirror
सेम चीज दोनों में रहेगा, तो इसका मतलब बदल क्या जाने वाला है, कुछ तो बदल जाएगा, वो हम चेक कर लेंगे कि क्या बदलने वाला है या दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। प्लस पावर ऑफ मिरर, डन। अच्छा चले सॉल्व करते हैं, तो पी इक्वेलेंट ठीक है, पी इक्वेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन एफ इक्वेलेंट, क्योंकि बनेगा क्या, मिरर ही बनेगा। अब देखो ये कि लेंस का पावर कैसे निकालेंगे, बताओ प्लेनो कॉन्वेक्स का पावर कैसे लिखते हैं, R upon n minus 1, very good, R upon n minus 1, किसी को डाउट इसमें कुछ, तो मैं डायरेक्टली इस चीज को लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, R upon n minus 1। अच्छा ये क्या, ये तो फोकल लेंथ है ना, R upon n minus 1, तो पावर क्या आएगी, उल्टा हो जाएगा, n minus 1 upon R, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं 2 1 by, ये आता है R upon n minus 1, इस तरीके से लिखता हूँ जिससे आपको प्रॉपर रहे। और मिरर के लिए क्या होगा, माइनस वन अपॉन एफ मिरर। चलिए बताए, सो माइनस वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट ये हो गया 2 इंटू एन माइनस 1, मतलब कितना, 3 बाई 2 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन, बताए मिरर का क्या होगा, मिरर की रेडियस कितनी है, 20, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, माइनस 20, हाँ लेफ्ट की तरफ है माइनस 10, रेडियस बाय 2 होगी ना, माइनस 10, तो ये रख देते हैं यार, यहाँ पर क्या आ गया, ये माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस, सॉल्व कर देते हैं, 1/2 कैंसिल आउट हुआ, आर कितना है 20, रेडियस कितनी है 20, और ये कितना है प्लस 1/10, तो भी समझ आ गया सबको चीजें, हाँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 upon F equivalent। अच्छा चाहिए तो इसको प्रॉपरली सॉल्व कर देते हैं, R by 2 लेके ही सॉल्व कर देते हैं अभी के लिए, तो अगर मैं देखूं तो ये R है और ऊपर का 2 कैंसिल आउट हो गया है, और यहाँ पे कितना हो गया, रुके मैं एक स्पेशल पॉइंट टाइप पे इसे सॉल्व कर देता हूँ, n माइनस 1 और ये पॉइंट हुआ अभी देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2 बाई आर प्लस 2 बाई आर, ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 2n अपॉन आर, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n अपॉन आर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप पे देख सकते हैं कि f इक्विवेलेंट ये भी एक मिरर बनेगा और r अपॉन 2n जितना बनेगा, r कितना है 20, 2 इंटू 3 बाई 2, सो आंसर कितना दिखेगा, माइनस 20 बाई 3 जितना। क्लियर सबको, ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया हुआ है, हाँ सर। तो ये एक अच्छा वैरायटी था, देखें भी सेम चीज इधर भी, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट, सेम चीज 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंथ हमें चाहिए, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, तो ये भी ऊपर वही होगा, n माइनस 1 ऊपर जाएगा, r नीचे आ जाएगा, इस टाइप पे माइनस 1 अपॉन f मिरर। बताओ यहाँ पर मिरर क्या है, ये प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर का रेडियस कितना होगा, इनफाइनाइट, तो इसका जो रेडियस होगा वो इनफाइनाइट होगा, मतलब फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट, तो पावर क्या होगी, जीरो। क्लियर, क्योंकि कोई भी डेविएशन नहीं लेके आता है ये प्लेन मिरर, तो ओवरऑल पावर क्या होगी, जीरो। तो मैं डायरेक्टली इसे लिख देता हूं, ये क्या आएगा, जीरो, तो डायरेक्ट आंसर दिख गया, एफ इक्विवेलेंट किसके जितना दिखेगा, एफ इक्विवेलेंट यहां पर माइनस रहेगा, आर अपॉन टू एन माइनस वन। समझ आया, एफ इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ जाएगा, वैल्यू अगर रखना चाहे 22 3 बाई 2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस 20। तो ये पॉइंट समझ आए मल्टीपल कॉम्बिनेशंस का, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं केसेस, हाँ सर, ओके गुड गुड, चलो ठीक है। तो ये था, काफी सारे कैलकुलेशन हमने कर ली, ये बेसिक वाले तो ये आप कर लेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें जो ऐड करना है सिर्फ ये कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, इन सब का आपको क्या निकालना है, F1, F2, F3 सबका निकाल के
बाकी पूरा सॉल्व कर देंगे। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। हाँ, इसको बिल्कुल पहले ही जैसा हमें सॉल्व करना। चले तो लेंसेज ऑलमोस्ट हमारा खत्म है, एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। लेंसेज का क्या देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंसेज। देखें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली हमें क्या डिस्कस करना है, बहुत ही सिंपल वे पे देखें। सपोज फर्स्ट पॉइंट, एक लेंस है हमारे पास और हमने उसका कुछ पार्ट लेट से कवर कर दिया हुआ है। तो लेट से हमने ये पार्ट क्या किया हुआ है, कवर्ड, कवर्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या इमेज वगैरह कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, हाफ लेंस तो पूरा काम करेगा ही ना। तो बताओ क्या इसकी जो पावर वगैरह है कुछ चेंज होगी क्या? नहीं, पावर चेंज होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्या चीज चेंज हो रहा है, क्या क्या अलग लग रहा है, क्या दिक्कत हो जाएगी? मैग्नीफिकेशन? नहीं, जब फोकल लेंथ वही है वहीं पर इमेज बनने वाला है तो मैग्नीफिकेशन नहीं चेंज होगा, अमाउंट ऑफ लाइट कम हो जाएगा ना, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाँ, तो अमाउंट ऑफ लाइट कम हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। समझ आया सबको पॉइंट? समझ आया कि क्या दिक्कत होगी, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। ओके गुड, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख लेते हैं। लेट्स से मिरर को, इसको लेंस को कट करते हैं। तो सपोज ये लेंस है और इसे हम हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं डिफरेंट पीसेस में। ठीक है, हमने इसे कैसे कट कर दिया, हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। तो बताओ कि ये जो पावर हुआ करती है, ये जो फोकल लेंथ आती है, ये किसके वजह से आती है? R1 R2 के वजह से आती है ना, सॉल्व करने में R1 R2 होता है। अगर मैंने इसे हॉरिजॉन्टली कट किया तो क्या R1 R2 चेंज हुए क्या? नहीं नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, देयर इज नो चेंज इन n R1 एंड R2, सो फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम, मतलब पावर भी क्या रहेगी, सेम। तो इसका मतलब फर्क नहीं पड़ता, आप लेंस का इतना छोटा सा पीस ले लो, आप समझ रहे हो, लेंस का कोई भी छोटा सा भी पीस ले लो या पूरा फुल लेंस ले लो, सिर्फ किसका फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी का फर्क पड़ेगा, पावर और फोकस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सब का पावर क्या रहेगा, अगर इसका पावर पी है, इसका पावर पी है, तो इसका भी पावर क्या रहेगा, पी, और इसका भी पावर पी, इन सब छोटे छोटे का भी पावर क्या रहेगा, पी। क्लियर है, बताए, कोई डाउट किसी को? सर, इसमें हमने वो कन्वर्ज किया है ना, वो लेंस को कन्वर्ज किया है क्या सर? पहला केस मतलब क्या हमने इधर कट किया ना, पहला केस में क्या किया था? इस केस में कवर किया, कवर, कवर्ड विद, मतलब की लाइट नहीं पास हो पाए, अब्सॉर्ब हो जाएगी। हाँ, कट नहीं किया, कवर अप किया है। आप सोचो ये जो पीसेज हैं, इनको मैं अगर पास पास पे रख लूं, अब बताओ क्या होगा, दोनों क्या काम करेंगे? अब भाई ये भी कन्वर्ज कराएगा और ये भी कन्वर्ज कराएगा, तो क्या फीलिंग देने लगेंगे अब? कॉम्बिनेशन की फील देने लगेंगे। कितने की फील देने लगेंगे? 2p की फील देने लगेंगे। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर पावर डबल हो गई है तो एफ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। समझ आया सबको, फोकल लेंथ का उल्टा है ना, तो पावर डबल हो गई है मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ। मतलब होगा क्या कि ये लाइट ऐसे जा रही थी, तो ऐसे जा रही थी, ये वाले ने कन्वर्ज करा दी, ठीक है, क्या करा दिया, कन्वर्ज करा दिया। अब ऐसे जा रही है तो ये वाला भी क्या करेगा, उसे और कन्वर्ज करा देगा।
पॉइंट समझ आया, दोनों मिलके कन्वर्ज ही कराने वाले हैं, तो मुझे लगता है इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, क्लियर है ये। हाँ अगर इन्हीं केसेस को मैं उल्टा रख दूं, तो ये जो लेंस होता है वो हमेशा कन्वर्ज किस तरफ कराता है, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। इसका मतलब अगर ये लाइट रे मैं इधर से डाल रहा हूँ तो ये जानी चाहिए थी ऐसे, ये किस तरफ कन्वर्ज कराएगा, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। ठीक, तो इसका मतलब जानी चाहिए थी इसे इधर, बट ये वाला मिरर क्या करेगा, वापस अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ही कन्वर्ज कराएगा। समझ आया, कन्वर्ज हमेशा किस तरफ होता है, लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस तो ऊपर है ना, तो ये वापस कन्वर्ज करा के उसे पहले जैसा ही भेज देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में ये पी है और ये पी है, और नेट आपको पता है कैसा फील आएगा, बताओ कैसा फील आएगा, सिर्फ ऐसा फील आएगा आपको। याद है स्लैब में रे गई थी तो ऐसे शिफ्ट हो जाती है सिर्फ लेटरली, कोई भी उसमें पावर फील नहीं होती है कि कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग है। समझ आया, याद आ रहा है? हाँ सर। तो बेसिकली इन दोनों की पावर मिलके इसकी पावर पी इक्विवेलेंट कितनी बन जाएगी, जीरो। क्लियर सबको? तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। मुझे लगता है क्लियर है, इसमें कोई उतना डाउट जैसे बात नहीं है, डन। लेट्स से वर्टिकल कट कर देते हैं लेंस को, ये लेंस को हमने कैसे कट कर दिया, वर्टिकल। तो बताओ अब कन्वर्जिंग सरफेस कम हो गए ना, पहले लेट्स से आर वन है अभी आर टू है, अभी इस पे तो एक क्या बचा, सिर्फ आर वन बचा ना, ये तो आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब वन बाई आर की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी ना। इसका कोई कंट्रीब्यूशन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी पावर थी कितनी, पी, तो इसकी पावर कितनी बची, सिर्फ पी बाई टू। समझ आया क्या, वर्टिकल कट करने में क्या होगा, तो हाँ। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर इसकी फोकल लेंथ थी एफ तो इनकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2F। कोई डाउट किसी को, नहीं सर। ओके सर, अब इनको साथ में रख देते हैं। सोचो इनको मैंने साथ में ऐसे रख दिया, कोई दिक्कत, ये पी बाई टू पावर का है, ये पी बाई टू पावर का है, फाइनल इक्विवेलेंट क्या बना देंगे, ये बना देंगे, पी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी इनकी, फिर पी जितनी हो जाएगी। हाँ। तो अगर मैं बोलूँ इसकी फोकल लेंथ 2F है, इसकी फोकल लेंथ 2F है, और इसकी फाइनली इक्विवेलेंट कितनी होगी, F जैसे हो जाएगी। ये तो दिख ही रहा था, ये तो दिख ही रहा है ना आपको कि उन्हीं दोनों लेंसेस को मिला के बना दिया है। अब बताना है ये केस, ये दोनों वही पीसेस हैं, दिख रहा है यही पीसेस हैं, टेंशन नहीं लेना है, ये क्या है, यही वाले पीसेस हैं दोनों लेंस के जो हमने यहां पर कट किए हैं। यहां पर ये दोनों पीसेस को ऐसे उल्टा रख दिया हुआ है, बताओ अभी क्या होगा, कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मतलब फाइनल बता, पी ऐड होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या होगा, अच्छा देखो काम क्या है, अभी ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा ये बताओ पहले, यार इस पीस को अगर आप देखो तो ये भी तो कन्वर्ज ही करा रहा है ना, इसके वजह से अभी प्लेनो कॉनकेव सॉल्व किया था ना, प्लेनो कॉन्वेक्स, चैलेंज को ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, दोनों ही केसेस में क्या आएगा, ये हमेशा कन्वर्जिंग। तो इसका मतलब चाहे इसको कैसे भी रखो, दोनों ही अभी क्या है, कन्वर्जिंग है, सॉल्व करके देख लेंगे।
तो चाहे इस तरीके से रखो या इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सबको लगता है कि ये कॉनकेव बन गया, नहीं, अभी भी अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा क्या, एक टाइप का कन्वर्जिंग लेंस ही बनेगा। समझ आया? इनको इवन आप ऐसे भी रखोगे तब भी पी इक्विवेलेंट कैसी आएगी, कन्वर्जिंग ही आएगी। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं सर। ओके गुड। देखिए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस से रिलेटेड एक पॉइंट देख लेते हैं। सपोज एक लेंस है और उसे हमने आधा वाटर पे फिल कर दिया है, बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगे? वाटर बताएं नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? यहाँ पर हमने कवर नहीं किया है कि वो वापस नहीं आ पाए, हमने सिर्फ वाटर रखा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रे यहाँ से आ रही होंगी वो किस सराउंडिंग में रखा हुआ है? नॉर्मल, मतलब एन माइनस वन होगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? पावर की अगर बात करें तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन माइनस वन आएगा। ये वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब ये क्या करेगा? ज्यादा बेंट कराएगा, मतलब ऊपर वाली जो रेज आएंगी वो कहां पर बेंट होंगी? यहां पर। बट जो वाटर से होके आएंगी रेज, तो पी जो होगा वो एन माइनस वन आर वन माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये होगा फॉर्मूला पावर के लिए, वन अपॉन एफ के लिए। तो एन तो ये सराउंडिंग वाला है ना, रिलेटिव, तो अगर आपने वाटर से डिवाइड कर दिए तो ये वैल्यू लेस हो जाएगी ना। कंफर्म ये समझ आया सबको? तो पावर क्या होगी इसकी? लेस होगी। पावर लेस होगी मतलब जल्दी कन्वर्ज करा पाएगा क्या? नहीं। कहां पर कराएगा? दूर कन्वर्ज कराएगा। तो इसका मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के आपको कितने इमेज दिखेंगे? दो। समझ आया? कोई डाउट किसी को इसमें? ओके बताया किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा लेट्स से इसमें अगर ऐसा केस रख देते हैं, यहां पर वाटर रखते हैं, तो कितने इमेज होते हैं? बताए। तब तो कोई टेंशन नहीं ना, सिर्फ कैलकुलेशन अलग होती, दोनों के लिए कैलकुलेशन सेम ही होगी ना, वैल्यू अलग होगी बट कॉन्साइड दोनों एक ही जगह पे करेंगे। नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे? वन। लेट से मटेरियल चेंज कर देते हैं, अब बताएं ये एन वन है और ये एन टू है। अगर एक ही लेंस के दो मटेरियल है तो इसका मतलब क्या आएगा? इसकी अपनी अलग फोकल लेंथ आएगी और इसकी अपनी अलग फोकल लेंथ आएगी, तो कितने नहीं इमेजेस होने चाहिए? टू। क्लियर है यार सबको? हाँ। अच्छा अगर इस टाइप का कुछ करें, ये अलग मटेरियल है, लेट्स से ये एन वन है और इधर पे ये एन टू है, अब बताए क्या फर्क पड़ेगा? एक ही रहेगा क्योंकि ओवरऑल दोनों को कॉन्साइड एक ही करना पड़ेगा। ठीक, लेंसेस को थोड़ा सा स्लिप करा दे अगर इस तरीके का कर दें, कट करके क्या किया हमने, थोड़ा स्लिप कर दिया, अब बताओ कितने इमेजेस बनेंगे? इसकी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसकी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस टाइप हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो क्या लग रहा है, ये जो सेक्शन है इन दोनों का, यहां पे क्या होगा? अलग फील होगा। एक इमेज किसके वजह से बनेगा? इसके वजह से। और इसमें क्या होगा, इस फील्ड में क्या होगा? वो शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, पॉइंट ये होगा कि इस फील्ड में पहले ये कन्वर्ज करने का ट्राई करेगा, किस तरफ? अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। और ये क्या ट्राई करेगा? अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो ये पोर्शन अगर मैं इसे बनाऊं,
ये क्या ट्राई करेगा, ये पोर्शन ट्राई करेगा इसे अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कराना। रेज अगर जाएंगी तो ये किधर बेंड कराएगा, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। और ये वाला जो नीचे वाला है वो क्या ट्राई करेगा, उसे वापस अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करा देगा। समझ आया? तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, नलीफाई हो जाने वाला, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक लाइन क्या होगी, अनडेविएटेड होगी। और एक इमेज कहां पर बनेगा, ऊपर के वजह से, एक इमेज बनेगा नीचे के वजह से। बट ये दोनों का देखो मटेरियल तो सेम है, तो इसका मतलब ये कहां पर फोकस होंगी, एक ही लोकेशन पर फोकस होंगी ना। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो इसके वजह से नो डेविएशन, नो डेविएशन, और जबकि इन दोनों के वजह से सेम पॉइंट पे कॉन्साइड करेंगे। क्लियर? इन दोनों के वजह से क्या होगा, कॉन्साइड एट सेम पॉइंट। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज सिर्फ कितना मिलेगा, वन, क्योंकि वो इनसाइड वाले की वजह से तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक। अच्छा, अगर इनकी रेडियस मैं बदल दूं, R1 R2, अगर R1 R2 सेम नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब इसका फोकल लेंथ अलग है और इसका फोकल लेंथ अलग है, तो क्या ये दोनों कैंसिल होंगे क्या? नहीं, नहीं होंगे। तो अगर R1 R2 सेम नहीं है तो फिर टोटली कितने इमेज मिलेंगे, फिर हमें तीन डिफरेंट लोकेशंस मिलेंगी। समझ आया सबको? अच्छा सोचो, अगर दोनों पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग कर दूं तो भी फिर तीन केसेस होंगे, एक इसका अपना अलग F1 आएगा, इन दोनों का नेट अलग आएगा, इसका अलग आएगा। तो अगर तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कर देंगे तो भी नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे, थ्री। समझ आया? अच्छा ये केस देखें, इसमें बताए नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, इसका 1/4 पार्ट हमने हटा दिया लेंस का, बताए इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, बड़े सिंपल सा है, ऊपर वाले पार्ट का एक अपना होगा F1, नीचे वाले पार्ट का सेम होगा क्या, नहीं, डिफरेंट फोकस होगा। तो ऊपर वाले की वजह से एक कॉन्साइड होगा और नीचे वाले की वजह से डिफरेंट लोकेशन पे कॉन्साइड होगा। कितने इमेजेस बनने चाहिए, दो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, जब आप बुक सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो लेंस में इतना काफी है, आगे फिर हम अभी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हमें प्रिज्म पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक प्रिज्म का डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद प्रिज्म में कलर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और फिर से देखेंगे कि लेंसेज में भी कलर्स के बारे में क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती थी। चलो तो अभी के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ओके ओके देन, बाय एवरीवन, बाय सर, बाय बाय।